फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्रोशियो का लेटर ए बनाना बताऊंगी। हम स्टार्ट करेंगे। पहले हम 23 चैन लेंगे। धागे पर स्लिप स्टिच आ गई। अब हम 23 चैन लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 चैन हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम फर्स्ट चैन छोड़कर सेकंड पर सिंगल क्रोचेट डालेंगे। ये फर्स्ट चैन है, ये सेकंड पर बिना धागा लिए अंदर जाएंगे, धागा लेते हुए बाहर आएंगे और धागा लेकर दोनों में से एक साथ बाहर आ जाएंगे, जिसे हम सिंगल क्रोचेट कहते हैं। ऐसा हमें पूरी चैन पर करना है। फर्स्ट छोड़ देना है, सेकंड से हमें शुरू करना है। पूरी चैन पर इसी तरह हमें सिंगल क्रोचेट लेना है। ये देखिए, ये लाइन कंप्लीट हो गई है। अब हम 1 चैन लेंगे और टर्न लेकर 9 चैन पर हम ये जो सिंगल क्रोचेट के जो चैन्स हैं उनकी 9 पर हम 9 सिंगल क्रोचेट डालेंगे। ये 1 पर 1, 2 पर 2, इसी तरह 9 सिंगल क्रोचेट पर हम 9 टाइम सिंगल क्रोचेट डालेंगे। 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब 9 सिंगल क्रोचेट कंप्लीट होने के बाद 10 पर हम 5 टाइम्स सिंगल क्रोचेट डालेंगे। उसी एक में हम 5 टाइम्स डालेंगे। ये सेंटर पर हमने 5 टाइम सिंगल क्रोचेट डालने के बाद बची हुई 9 चैन है उन पर भी हम इसी तरह सिंगल क्रोचेट यहाँ पर भी डाल देंगे। 9 सिंगल क्रोचेट हमने यहाँ पर डाला, 10 पर हमने 5 टाइम्स डाला। इसको हम बीच का कॉर्नर बनाएंगे और यहाँ पर बची हुई 9 चैन पर भी हम इसी तरह सिंगल क्रोचेट डाल देंगे। ये देखिए, ये कंप्लीट हो गया। अब हम 1 चैन लेंगे और फिर से हम ये 9 पर सिंगल क्रोचेट डालेंगे और ये जो 5 का जो यहाँ पर हमने 5 का जो कॉर्नर बनाया है उसके सेंटर पर 3rd सिंगल क्रोचेट पर हम फिर से 5 टाइम सिंगल क्रोचेट डालकर फिर से सब पर हम सिंगल क्रोचेट डालेंगे। 1 चैन ले लिए, बैक साइड में हम सब पर सिंगल क्रोचेट डालते हुए जाएंगे, बिना गैप छोड़े, बिना चैन लिए हमें सब पर सिंगल क्रोचेट लेना है। ये 9 पर तो हमने ले लिया। अब जो हमने यहाँ पर 5 सिंगल क्रोचेट डाला था उसकी फर्स्ट पर भी हम सिंगल क्रोचेट लेंगे, सेकंड पर भी लेंगे और ये जो 3rd सिंगल क्रोचेट है जो एकदम बीच में है उस पर हम फिर से 5 टाइम सिंगल क्रोचेट डालेंगे। तो देखिए, ये 5 सिंगल क्रोचेट कंप्लीट होने के बाद बचे हुए सब पर हम फिर से सिंगल क्रोचेट डाल देंगे। देखिए, ये कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पर धागा लॉक करके धागा तोड़ देंगे। एक्स्ट्रा धागा पीछे अटैच कर लेंगे।
धागे पर स्लिप स्टिच ले लेंगे, धागा लॉक हो गया। अब इसकी फिफ्थ चैन पर हम अटैच करके फोर चैन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। फोर चैन लेंगे, 1, 2, 3, 4। और यहाँ से भी हम फिफ्थ चैन पर अटैच करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। अटैच होने के बाद में हम वन चैन लेंगे, और ये फोर चैन पर हम सब पर सिंगल क्रोचेट डालेंगे। फोर पर फोर चैन लेने के बाद में हम इस गैप में हम अटैच कर लेंगे, ये देखें ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हम धागा लॉक करके धागा कट कर लेंगे और बैक साइड में अटैच कर देंगे। अपोजिट कलर का धागा लेंगे, स्लिप स्टिच लेकर लॉक कर लेंगे और इसके फ्रंट से कॉर्नर से सब पर हम सिंगल क्रोचेट डालते जाएंगे। हमें हर एक पर सिंगल क्रोचेट लेना है, कहाँ पर भी एक्स्ट्रा सिंगल क्रोचेट नहीं डालना है, ना ही हमें चैन लेनी है। अपोजिट कलर से इसलिए हम ले रहे हैं क्योंकि ज़्यादा फिनिशिंग दिखे इसमें, इसका लुक और अच्छा है। यहाँ पर भी हमें सब पर एक एक ही सिंगल क्रोचेट लेना है। अब यहाँ पर यह जो हिस्सा है इसमें हमें 3 times सिंगल क्रोचेट डालना है। फिर से हमें यहाँ पर जितनी चैन है उन पर सब पर सिंगल क्रोचेट डालना है। फिर से हमें यहाँ पर जितनी चैन है उन पर सब पर सिंगल क्रोचेट डालना है, देखिए इस तरह, और फिर यहाँ से भी यहाँ तक पूरा कंप्लीट करना है। ये देखिए ये कंप्लीट हो गया है, मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा धागा कट करके बैक साइड में अटैच कर दिया। थैंक यू।